नमस्ते, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे हो। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो फ्राई, कुरकुरे आलू फ्राई। 100% कुरकुरे आलू फ्राई मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पे आलू को बारीक काट लिया है। मैंने दो आलू लिया है यहाँ पे, उसको मैं छिलका उतार के अच्छे से धो लिया है 2-3 बार। ये मैं बारीक काट लिया है और चलिए देखते हैं और क्या क्या हम लोगों को लगेगा क्रिस्पी आलू फ्राई बनाने के लिए। यहाँ पे हम लोग को हल्दी लगेगा 1.5 टीस्पून और नमक 1.5 टीस्पून। मैंने यहाँ पे मूंगफली को भून के रख दिया है और यहाँ मैं करी पत्ता लिया है, उसको भी मैं भून लिया है। ठीक है, ये सब लगेगा हम लोगों को कुरकुरे आलू फ्राई बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे रिफाइंड तेल ले लिया, इसको मैं गरम कर लिया है और थोड़ा सा मैं पहले हल्दी डाल रही हूँ तेल में। तो क्या होगा, जब आप आलू डालेंगे तो तेल आपके तरफ छिटके नहीं आएगा, क्योंकि आलू में थोड़ा सा पानी रहता है तो वो आपके तरफ आ सकता है तेल, इसलिए। चलिए, इनको मैं पहले मीडियम आँच में मैं आलू को पहले नरम कर लूँगी। ठीक है, आप इसको ढक के नरम कर सकते हैं। आलू को आप ढक के नरम कर लीजिए मीडियम आंच पे। ठीक है, नरम कर लेंगे उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे कुरकुरा बनाएंगे। ठीक है, पहले हम आलू को नरम कर लिए हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दीजिए और आलू को नरम कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे आलू नरम हो गया है। तो नरम करने के बाद अब हम यहाँ पे आँच को तेज कर देंगे और तेज करके हम लोग आलू को कुरकुरा बना लेंगे। मैंने यहाँ पे नमक और हल्दी डाल दिया है आलू पे, 1.5 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर। और आलू को मैं हल्का ब्राउन करके यहाँ पे तल लूँगी तेज आँच में। देखिए, यहाँ पे तेज आँच में आलू देखिए बिल्कुल हल्का ब्राउन हो गया है, पूरा क्रिस्पी बना है ये आलू, आप देख ही सकते हैं। हल्का ब्राउन करके आप अगर इसको तल लेंगे तेज आँच में, पहले आप इसको मीडियम आँच में नरम कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसको तेज आँच में ऐसे कुरकुरा बना लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुरकुरा बन चुका है बिल्कुल 100%। मैं आपको यहाँ पे अभी इसको टेस्ट करके दिखा रही हूँ। देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये देखिए टूट गया है पूरा। देखिए, पूरा क्रिस्पी बना है, पूरा कुरकुरे बना है हमारे यहाँ पे आलू। 100% मैंने यहाँ पे आपको कुरकुरा आलू बना के दिखा दिया। और ये यहाँ पे मैं यहाँ पे सजा रही हूँ आलू को। मैंने यहाँ पे मूंगफली से आलू को सजा रही हूँ, इसके बाद मैं करी पत्ते से आलू को सजा लूँगी। तो हमारा कुरकुरा 100% कुरकुरा आलू फ्राई यहाँ पे बनके तैयार है। आप इसे घर पे ज़रूर बनाएं और बताएं कैसे बना है। लाइक कीजिए इस चैनल, इस रेसिपी को शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको बहुत आसान तरीके से खाना बनाना सिखाती हूँ। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच। मैं नया रेसिपी लेके फिर से आऊँगी, तब तक आप लोग अच्छे से रहिएगा। नमस्ते।